वात रक्त, गाउट या यूरिक एसिड का बढ़ना, इसके क्या कारण हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, किस तरीके से इनके लक्षणों को पहचाना जा सकता है और इसमें क्या हम खाएं ना खाएं और क्या उनमें चिकित्सा लें, इन सब विषयों पर आज मैं इस वीडियो में आपके साथ चर्चा करूंगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा दीक्षित प्राणायतन आयुर्वेद में आप सभी का स्वागत करती हूँ। वात रक्त, जिसको कि हम लोग ये कहते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ने के कारण हमारी संधियों में, हमारे जॉइंट्स में एकदम पेन बढ़ जाता है, इसलिए इसको हम खुद वात भी कहते हैं। साथ में ये सीडेंटरी लाइफ स्टाइल के कारण होता है और स्पेशली हम मानते हैं कि जो रिच पर्सन्स हैं उनको होता है, तो इसको हम आड्डे वात भी कहते हैं। ये वात रक्त किस वजह से होता है, इसके क्या कारण हैं, ये हमने अपने पिछले वीडियो में आपके साथ डिस्कस करे थे। चाहे वो हम बहुत अधिक मात्रा में डेयरी प्रोडक्ट्स लें या हम अधिक मद्यपान का या धूम्रपान का सेवन करें या नॉन वेज डाइट हम ज़्यादा लें, स्पेशली रेड मीट, अधिक स्ट्रेस, क्रोध, थकावट और काम का बोझ, ये भी वात रक्त को बढ़ाता है। साथ में हम यदि एक्सरसाइज ना करें और दिन में सोएं, रात्रि में जागरण करें, तो ये सारे फैक्टर्स हमारे शरीर में यूरिक एसिड को बढ़ाते थे। अब आखिर ये वात रक्त हमारे शरीर में क्यों होता है या किस तरीके से हमारे जो शरीर के दोष हैं वो वात रक्त कर देते हैं या यूरिक एसिड को बढ़ा देते हैं, इसकी पैथोलॉजी क्या है? नॉर्मली हमारे शरीर में जो रक्त होता है वो सबसे पहले दूषित हो जाता है, जिसकी वजह से वात पूरे शरीर में दूषित होकर के जो संधियां हैं वहां तक पीड़ा कर देता है या वहां पर पेन उत्पन्न कर देता है। और सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग होती है हमारी स्मॉल जॉइंट से, चाहे वो आपके पैर का अंगूठा हो या फिर घुटने हो, कोहनियाँ हो या आपके कंधे हो, इस तरीके की या फिर उंगलियाँ हो, इन सब जॉइंट्स में धीरे धीरे आपको पीड़ा की उत्पत्ति पता चलती है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि शरीर में यूरिक एसिड की वृद्धि होने की संभावना है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ होम रेमेडीज़ और कुछ ट्रीटमेंट्स भी शेयर करूँगी ताकि उसे आप घर पर इस्तेमाल करके अपने यूरिक एसिड को कम कर सकते हैं। जो आयुर्वेद में आचार्यों ने वर्णन करा है वो सबसे उत्तम चिकित्सा बताई है कि यदि आपका रक्त दूषित होता है तो उसमें आप रक्त मोक्षण करें, मींस कि ब्लड लेटिंग थेरेपीज करें। इससे रिलेटेड वीडियोस हमने अपने चैनल पर डाल रखी हैं, आप उनको देख सकते हैं। दूसरी चिकित्सा जो आती है वो हमारी होती है कोष्ठ की शुद्धि। यदि आपका बॉल मूवमेंट बिल्कुल ठीक रहेगा, आपका पेट साफ होगा, तो आपको कोई भी बीमारी होने की संभावना बहुत कम है। तो इसके लिए हम वात रक्त होने पर मृदु विरेचन देते हैं, इट मीन्स कि एक डिटॉक्स करते हैं और डिटॉक्स की टेक्निक्स भी हमने अपने वीडियो में दिखा रखी है। यदि हम नेक्स्ट चिकित्सा की बात करें तो हरड़ के विषय में आप सभी लोग जानते होंगे, इसके बहुत सारे फायदों के बारे में हमने अपने एक वीडियो में बता रखा है, आप वहाँ पर देख भी सकते हैं। यहाँ पर हम जो यूरिक एसिड को कम करने के लिए हरड़ को कैसे उपयोग करें ये मैं आपको बताती हूँ। आप आधा चम्मच हरित की या हरड़ का चूर्ण ले लें और उसमें लगभग 3 या 4 ग्राम के लगभग गुड़ मिला करके उसको सुबह शाम आप सेवन कर सकते हैं। दूसरा उपाय क्या है कि पीपल के पेड़ की छाल थोड़ी इकट्ठी करके अपने पास रख लें। अब उसको किस तरीके से प्रयोग करना है, उसका बनाना है हमें काढ़ा। तो काढ़ा बनाने के लिए आप लगभग 20 ग्राम के लगभग छाल लेकर के उसे सुबह सुबह 2 ग्लास पानी में डाल करके मध्यम आँच पर उबलने के लिए रख दें। ध्यान रखें कि कवर ना करें, उघाड़ करके उसको उबालें और तब तक उबालें जब तक कि वो आधा गिलास ना रह जाए। उसको छान लें और छानने के बाद अब उस जो काढ़ा बन गया है उसको आप आधा सुबह ले लें और आधा शाम को ले लें। शाम को जब आप लेते हैं तो खाना खाने से 1 घंटे पहले लें और उसको हल्का ल्यूकवॉर्म कर लें। आप इसके अंदर यदि आप डायबिटिक नहीं हैं तो आप इसमें शहद भी मिला सकते हैं, और यदि आप डायबिटिक हैं तो आप इसको ऐसे ही सेवन करें। तो ये बहुत उत्तम काढ़ा है जो हमारी यूरिक एसिड को बहुत जल्दी कंट्रोल में लाता है। अब एक चूर्ण के बारे में भी बता देते हैं, आप घर पे आसानी से बना सकते हैं। आप गोखरू का चूर्ण मार्केट से ले सकते हैं, इसकी एक निर्धारित मात्रा ले लीजिए। यदि आपने जैसे 50 ग्राम या 100 ग्राम की मात्रा ले ली, उतनी ही मात्रा में इसमें पुनर्नवा का चूर्ण मिला लीजिए और साथ में आंवले का चूर्ण,
तो तीन प्रकार के चूर्ण हो गए आपका, गोखरू, पुनर्नवा और आंवला। इन तीनों को समान मात्रा में लेकर के एक कंटेनर में आप मिला के रख दें और एक एक चम्मच इसको सुबह शाम आप गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। इसमें मिली हुई हर्ब्स जो हैं वो एक तरीके से डायुरेटिक का भी काम करती हैं और एंटीऑक्सीडेंट हैं और इम्यूनो मॉड्यूलेटर भी हैं। तो ये हमारे शरीर में जाकर के इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं, वात को कंट्रोल करती हैं और साथ में हमारे रक्त की जो दुष्टता है उसको भी समाप्त करती हैं। ये हमारे शरीर का जितना भी मेटाबॉलिज्म है उसके लिए हमारा लिवर बहुत अधिक रिस्पॉन्सिबल है, तो हम उसको कंट्रोल करने के लिए अपने रक्त शुद्धि के लिए दो अरिष्ट का प्रयोग कर देते हैं। इसके लिए आप प्रयोग कर सकते हैं महामंजिष्ठारिष्ट या खदिरारिष्ट, दोनों में से एक ही प्रयोग करें। यदि आप जो भी अरिष्ट ले रहे हैं उसके लिए आप दो टेबल स्पून, वो बड़े चम्मच होते हैं, वो अरिष्ट को ले लें और उसमें उतना ही मात्रा पानी मिला लें और इसको आप सुबह शाम खाने के बाद में लें। खाली पेट अरिष्ट को नहीं लेना चाहिए, अदरवाइज ये एसिडिटी पैदा करता है। तो ये अरिष्ट आप प्रयोग में ला सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप अमृतादि गुगलू या पंचतिक्त घृत गुगलू की दो दो गोली सुबह शाम इनको गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। कोई भी औषधि यदि आप प्रयोग कर रहे हैं तो उसको आप कम से कम 40 से 45 दिन तक प्रयोग करें, और जितनी भी औषधियाँ मैंने बताई हैं आप सारी एक साथ प्रयोग ना करें, किसी भी एक या दो औषधि को लेकर के उसको लेकर के देखें और उसके बाद उसके जो भी रिजल्ट आते हैं वो हमें बताएं। अपना यूरिक एसिड आप 45 डेज के बाद दोबारा चेक करवाएं, लेकिन साथ में पथ्य अपथ्य का ज़रूर ध्यान रखें और अपने लाइफस्टाइल को ज़रूर चेंज करें, तभी उसमें पूर्णता लाभ होने की संभावना है। यूरिक एसिड बढ़ने के बारे में या वात रक्त के बारे में हमने आपको डिटेल में इस वीडियो में बताया है। यदि आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब ना करा हो तो इसे सब्सक्राइब करें। इस चिकित्सा के दौरान यदि आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके भेज सकते हैं। साथ में यदि आप अपनी रिपोर्ट्स हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारे नीचे लिखे हुए मेल पर आप हमें भेज सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं आगे परामर्श के लिए। धन्यवाद।